अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अहमद है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इस्माइल इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या होती है और इसकी मार्केट प्लेस क्या है। दो तरह की इसकी टाइप्स होती हैं, ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस और नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस। तो मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊँगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप जल्दी से अपने राइट साइड पे देखें, आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें और उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगी न्यू लेटेस्ट वो आपकी नोटिफिकेशन के अंदर फौरन से आ जाएगी। ये एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों की ही वजह से सब्सक्राइबर्स मेरे पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तकरीबन 20 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। ये आप लोग ही होते हैं जो YouTube के चैनल को रन करवाते हैं एक बंदे के थ्रू। तो आई होप कि आप लोग मेरे जितने लोग इस वीडियो को देखते जाएंगे वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करते जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग घर बैठे आप पैसे कमाना, इस कॉल ऑफ फ्रीलांसिंग कि आप घर बैठे बैठे पैसे कमाएं, ये आपकी फ्रीलांसिंग है। डिफरेंट वेबसाइट्स में आपको बताता हूँ कि आप उन वेबसाइट्स पे जाएंगे, अपना सिंपली अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपकी जो स्किल होगी, आपने जो काम आता है आपको, अगर आपको एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड आता है, अगर आपको पावर पॉइंट आता है, अगर आपको एमएस एक्सेल आता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो काम आपको आता है आप अपनी एक्सपर्टीज को सेलेक्ट करते हुए उस काम को वहाँ पर करेंगे। दो तरह की मार्केट प्लेस है फ्रीलांसिंग के अंदर, एक ट्रेडिशनल एंड एक नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस कौन सी होती है, जिस तरह से आपके पास अपवर्क है, आपके पास guru.com, upwork.com, fiverr.com, peopleperhour.com, freelancer.com, ये सारी मार्केट प्लेस क्या है, ये सारी मार्केट प्लेस है ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस। और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस जो सबसे ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा इन है, उसका नाम है fiverr.com, fiverr.com, fiverr.com। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल में छोटा सा डिफरेंस है और वो ये है कि अगर आपका क्लाइंट वो जहाँ से भी डिफरेंट कंट्रीज से आपको ऑफर्स आती हैं कि मेरा ये काम कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा लोगो बना दो, मेरे लिए जो है वो डाटा स्क्रैप कर लो एक्सेल के ऊपर, डिफरेंट कंट्रीज से ये ऑफर्स आ रही होती, तो ये बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है अराउंड, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है वो टॉप पे जा रहा है फ्रीलांसिंग के अंदर। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में डिफरेंस क्या है। छोटा सा डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केट, नॉन ट्रेडिशनल मैंने आपको एक ही बताई जो कि फाइबर है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप अपनी पोस्ट तैयार करते हैं और उसको पोस्ट करते हैं अपनी प्रोफाइल पे। जिस तरह से मेरा ये है, मेरी एक्सपर्टीज है कि मैं लोगो बना सकता हूँ, तो मैं $5 लिखूंगा अपना मिनिमम चार्ज कि मैं $5 के लिए एक लोगो बना के दूंगा और उसका टाइम रिक्वायर्ड मैं कर लूंगा कि अराउंड 4 to 5 hours के अंदर मैं आपके लिए एक लोगो बना के दूंगा, कॉस्ट उसकी $5 होगी। तो मैं ये अरेंज करके एक मैं पोस्ट तैयार करके और पोस्ट कर दूंगा फाइबर के अंदर। अब बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, लोगों को अगर जिसको इतने कम पैसों में और इतने रिक्वायर्ड टाइम के अंदर एक अच्छा सा लोगो चाहिए होगा तो वो मेरी प्रोफाइल के अंदर आएगा। सबसे पहले तो वो मेरा पोर्टफोलियो देखेगा कि मेरा प्रीवियस वर्क किस तरह से। तो अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उससे पहले आप लोग अपनी पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो अपने पोस्टर्स, ब्राउशर्स, फ्लायर्स, ये सारी चीज़ें आप पहले ही डिज़ाइन करें और उसको अपनी अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अपने अकाउंट के अंदर, अपनी प्रोफाइल के अंदर उसको सेव कर दें ताकि आने वाले जितने भी क्लाइंट हैं वो आपसे इंस्पायर हों और आपकी गिग को प्रेफर करें। ठीक है, आपने एक पोस्ट तैयार की जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं लोगो बनाऊँगा $5 का, वो आपने पोस्ट कर दी। अब जब कोई लोग वो किसी भी कंट्रीज से, बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि अपना टाइम बचाएं और छोटा से छोटा लोगो आपको ऑफर कर देंगे, भाई सही है आप मुझे 2 hours के अंदर या 2 या 3 hours के अंदर ये लोगो बना के दे दें, तो वो आपकी आपसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन जो मैंने ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस बताई उसके अंदर आपने क्लाइंट के पास अप्रोच करना होता है, क्लाइंट आपको अप्रोच नहीं करेगा, आपने क्लाइंट के पास अप्रोच करना होगा, आपने क्लाइंट के पास जाना होगा, आपने क्लाइंट की देखनी होगी। एक क्लाइंट है
क्लाइंट पोस्ट करेगा कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे 5 लोगो बनवाने हैं और वो $20 मैं उसके पे करूँगा, और रिविजन्स, नंबर ऑफ रिविजन्स, रिविजन्स बेसिकली क्या होती हैं कि क्लाइंट मांगता है आपसे, बोलता है कि आप मुझे जो लोगो बनाओगे ना पहले वो मुझे सेंड करो, मैं उसको देखूंगा, अगर मैं उसको अप्रूव करता हूँ तो फिर वो नेक्स्ट लोगो की तरफ वो बढ़ना। तो ये नंबर ऑफ रिविजन्स आपसे बोलता है कि भाई मुझे 2 बार रिविजन्स चाहिए, 2 बहुत ज़्यादा होती हैं, तो रिविजन के भी पैसे होते हैं कि वो देखेगा अप्रूव करे, अप्रूव करूँ या नहीं करूँ, ये देखना बेसिकली रिविजन होगा। तो ये क्लाइंट जो है वो आपको आप उसके ऊपर जाके बिड करते हो। जो मैंने ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस बताई उसमें ये फ़र्क है कि आपका क्लाइंट ने एक पोस्ट तैयार करके उस पर पोस्ट कर दी, आप जाके बिड करोगे, आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट करोगे कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, आपने जो प्रिस्क्राइब जो टाइम बताया है उसके अंदर अंदर मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, फिर आप उसको बिड करोगे। अगर क्लाइंट को आपकी अप्रोच पसंद आई, आपका मैसेज पसंद आया, तो वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं एक भी प्रोजेक्ट मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, लेकिन जब आपको मिलते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो आप ग्रो अप होते हैं और बहुत आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिकली जो है वो मैंने खुद सेल्फ अभी तक कोई फ्रीलांसिंग नहीं की, लेकिन मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, तो ये चैनल बेसिकली जो मैंने बनाया स्माइल इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में। मैं उसको दोबारा से रिवाइंड कर देता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस जो मैंने बताई 3-4, उसके अंदर क्लाइंट पोस्ट करेगा और आपने उसके ऊपर अप्रोच करना है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल के अंदर आप पोस्ट करोगे, क्लाइंट आपकी पोस्ट पे अप्रोच करेगा और आपसे बोलेगा कि जी ठीक है मुझे ये आपकी जो पोस्ट की है मुझे ये काम चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के अंदर। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।